गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपको अगले दिन से ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, आज मैं आपको ठाकुर कृपाल सिंह दादी एजुकेशन ग्रुप से कक्षा 10th में हिंदी व्याकरण के रस के बारे में बताऊंगा। रस बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के आते हैं। रस सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, परंतु साहित्य में रस का आश्रय उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उस काव्य पर आधारित नाटक देखने से मन में उत्पन्न होता है। जब किसी काव्य को सुनने या पढ़ने या उस पर आधारित नाटक देखने से जो हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं, उन्हीं भावों को हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव तीनों मिल जाते हैं तो उस समय हमारा रस उत्पन्न होता है और उसी से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव या रस के अंग, रस के 4 अवयव होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। पहला आपका होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, ऐसे भाव जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में रहते हैं। प्रधान भाव जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। वर्तमान में स्थायी भावों की संख्या 11 है। दूसरा है आपका विभाव। जिन कारणों से भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। वह कारण जिनके कारण हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन कारणों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तीसरा होता है आपका अनुभव। अनुभव भाव उत्पन्न होने के कारण जो हमारे मन व शरीर में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगता है। जैसे ही हमने अचानक सांप को देखा तो हमारे मन में एक डर का स्थायी भाव उत्पन्न हो गया और उस भाव के कारण हमारे शरीर में भागने की चेष्टा जागृत हुई। तो भाव उत्पन्न होने के कारण जो हमारे मन व शरीर में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। चौथा है आपका संचारी भाव। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यह भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते रहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु वह बहुत क्षणिक होते हैं, बहुत कम समय के लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद वह शांत हो जाते हैं या फिर मिट जाते हैं। ऐसे भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या 33 है। रस के भेद या प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के 11 भेद होते हैं। यहां हमने लिखा है, एक तरफ लिख दिया है रस और उसके जस्ट सामने लिखा है स्थायी भाव कि किस रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, या किसी काव्य को पढ़ने से जो हमारे हृदय में जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा उसी से हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस